हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल माही पटेल ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, माही के पापा चले गए ऑफिस और अभी मुझे घर आना है माही को नाश्ता, और भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो माही जी, आपको खाना क्या है पहले ये बता दीजिए आप। रोटी सब्जी माही को खाना है, रोटी सब्जी। तो मुझे सब्जी बनानी होगी। फिर मैं आ गई माही के लिए सब्जी बनाने। माही को खाना था भिंडी, लेकिन हम लोग कल मार्केट गए हुए थे और सब्जियां इतनी महंगी हो रखी है ना, क्या बताएं, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगी कर रखे हैं ये लोग सब्जियां। जहां से माही के पापा लेके आते हैं वहां से ज़्यादा रेट दे रहे थे, तो हम लोग कुछ लेके ही नहीं आए। सब्जी इतना महंगा दे रहे थे, फालतू में एक्स्ट्रा पैसे क्यों देना भाई किसी को, इतने पैसे तो है भी नहीं हमारे पास। तो मैंने माही के लिए आलू का भुजिया बनाया और साथ में बना रही हूँ पराठे। तो माही को आजकल भिंडी बहुत पसंद आ रही है, तो हमने सोचा कि चलो आज नहीं ले आएंगे, कल ऑफिस जाएंगे तो आते हुए उधर से जहाँ से लेके आते हैं लेके आ जाएंगे फिर, तो इसलिए कुछ लेके नहीं आए हम लोग। और इनके टिफ़िन के लिए मैंने बनाया था करेला, जो कि करेला मैं भी नहीं, मतलब मुझे भी उतना पसंद नहीं है और माही को तो ऑब्वियस सी बात है नहीं पसंद आएगा करेला, तीखा लगेगा, कड़वा लगेगा थोड़ा, तो इसलिए दोबारा से मुझे सब्जी बनाना पड़ रहा है। और यहाँ पे मेरा सब्जी बन गया, मैंने माही का नाश्ता निकाल दिया तो वो चले गए बाथरूम में। मैं बुला रही हूँ तो बोल रहे कि जा रहा हूँ बाथरूम, तो मैंने बोला ठीक है जाओ, तब तक मैं सफाई कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे साफ़ करने लगी गैस को, और गैस के साथ साथ मैं लाइटर, ये जो पकड़ने वाला होता है पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो और जो भी चाकू छुरी जो भी यूज हुआ रहता है मैं उसको भी अच्छे से साफ़ करके ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरा किचन का सफाई लगभग हो ही गया है, और कुछ बर्तन थे बर्तन को धुलेंगे। और फिर यहाँ पर माही आ गए थे वॉशरूम से और नाश्ता करने लग गए, इनको ये बोल रहे थे कि मुझे पार्क भी जाना है। मैंने बोला पहले नाश्ता तो ख़त्म करो फिर चलेंगे पार्क, जब तक नाश्ता ख़त्म करते तब तक मैंने सोचा कि अपना काम भी निपटा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे सोफ़ा सही करने लगी, फिर माही मेरे पीछे आके बोल रही कि मुझे भी सही करना है। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा डांटा कि जाओ आप पहले नाश्ता ख़त्म करो, काम बाद में करना। तो ये इधर उधर नाश्ते अपना नाश्ता कर रहे हैं। और सोफ़ा वोफ़ा सही करने के बाद फिर बेड भी पड़ा था, और ड्रेसिंग पे माही ने पता नहीं क्या क्या सजा के रखा है, सारा सामान सब नीचे ऐसे लगा के रख दिए हैं, तो फिर मैं उनको जगह पे रख रही हूँ, वरना तो फिर फैला फैला सा दिखता है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और बेड भी नहीं बना था अभी मेरा, तो मैं यहाँ पे बेड भी सही करने लग गई। और सुबह और इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि मैंने बेड को अच्छे से, मतलब बेडशीट को अच्छे से झाड़ा, फिर भी एक दो बाल इधर उधर तो चिपके रह ही जाते हैं। मेरे भी बाल टूट रहे हैं, माही के भी, और माही के पापा तीनों का बाल टूट टूट के गिर रहा है, तो इधर उधर पड़ा ही रहता है कितना भी क्लीन कर लो। तो बेड लगाने के बाद और सामान सब सही करने के बाद मुझे झाड़ू लगाना था, तो मैंने सारा डोरमैट उठाया रूम का और बालकनी में ले जाके झाड़ा अच्छे से, और फिर बालकनी में लगाने लग गई झाड़ू। और मेरे कपड़े भी धुले हुए पड़े थे, उनको भी फोल्ड करके रखना था। तो अब तो मौसम भी बदल गया है, मतलब अब गर्मियाँ आ रही है लेकिन अभी भी ठंड भी नहीं जा रही है, पता नहीं क्या ही चक्कर चल रहा है मौसम का, गर्मी ठंडी और ऊपर से बारिश भी कभी कभार हो ही जा रही है। तो मैंने दोनों रूम का झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी हॉल में झाड़ू लगाने। डाइनिंग टेबल के चेयर को हटा के मैंने अच्छे से साफ़ किया, और ये गुलाब की पंखुड़ियाँ दिख रही होंगी आपको, ये माही उस बॉटल में लगा है गुलाब, उसमें से तोड़ तोड़ के ये सजाए हुए थे स्पीकर पे। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैंने अपना हाथ वाथ धुला अच्छे से, फिर मुझे कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मतलब नाश्ता करने का मन नहीं हो रहा था, कभी कभी होता है कि कुछ खाने का मन नहीं होता है, तो फिर मैं ऑरेंज लेके खाई दो। और उसके बाद माही को लेके आ गई थी पार्क, और अभी एक हमारी सोसाइटी में ये नया पार्क बन रहा है, तो माही इस वाले पार्क में एकदम किनारे इधर आ गए, और ये इसको क्या बोलते हैं माही, क्या मैरीगोराउंड, मैरीगोराउंड, मैरीगो मैरीगो मैरीगोराउंड, अच्छा।
तो मुझे पता नहीं था इसको क्या बोलते हैं, तो माही इस पे बैठ के मैं इनको स्पिन करा रही हूँ और फिर आ गए झूले पे। और माही के साथ साथ मैं भी, मुझे भी झूला झूलना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो खाली है, बच्चे नहीं है तो मैं भी झूल लेती हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा झूला झूलने लग गई। और तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी, मिलते हैं नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय, टेक।